डियर स्टूडेंट दिस इज मी मुदिता एंड एम हे टू डिस्कस द वर्कशीट नंबर सेवेंटी थ्री सो गाइज आपका जो साइंस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है यहाँ से आपकी रिविजन स्टार्ट होगी ठीक है और ये वर्कशीट आपकी 30 ऑफ दिसंबर 2020 के लिए दी गई है सो so, हमारा ऑल ओवर जो वर्कशीट नंबर थी उसमें आपके सिलेबस को कवर किया गया है सेवन से हम देखने वाले हैं आपका रिवीजन सेशन ठीक है रिवीजन देखेंगे तो अगर आपने वन टू सेवनटी टू में कोई भी वर्कशीट मिस करी है तो आप वो वर्कशीट कर सकते हैं इसके दो तरीके हैं एक तो आपने जो भी वर्कशीट प्रोवाइड की गई है वो कर ले उसके लिए एक वेबसाइट है वहां पे जाके आप कोई भी वर्कशीट निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बना दूं मैं तो वो कमेंट कर दीजिए मैं वीडियो बना दूंगी दूसरा ये है कि आपको स्कूल से वर्कशीट बुक मिलेगी ठीक है अगर आपने अब तक कलेक्ट नहीं किया तो आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल में पता कर सकते हैं जिसमें आपको सारी वर्कशीट दी जाएंगी स्पेशली फोर क्लास टेंथ ठीक है सारे सब्जेक्ट की आपको सेपरेट वर्कशीट मिलेंगी तो रिवीजन से पहले की जितनी वर्कशीट्स हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगी तो अगर आपने कोई भी वर्कशीट छोड़ी है तो उसे प्लीज़ ले लें और अपनी कॉपी में सही से सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ से आपको स्टडी करने में बहुत आसानी होगी अब तक तो आपने सिर्फ आंसर दिखाने के लिए किया था लेकिन अब आप बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे केयरफुली एक एक आंसर को कर लें क्या पता उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्स्टेंट विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस जब भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ठीक है इसमें हमारा क्या होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे समथिंग ए प्लस बी हम कुछ लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं और जब जो चीज़ फॉर्म होती है सी प्लस डी उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन वो हमारे क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन डाइजेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जैसे कि खाने का डाइजेशन होना रस्टिंग ऑफ आयन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये आपके एग्जाम्पल हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के इसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन अलॉन्ग विथ सिंबल एंड एलिमेंट्स केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज बर्न इन टू एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में एरोज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं टू इजी टू अंडरस्टैंड सो ये क्या कहलाता है केमिकल इक्वेशन अगर आप ऐसे लिखें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो ये बहुत बड़ा होगा और बहुत अजीब वियर्ड लगेगा तो इसलिए हम सिम्बल्स और नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम बड़ी बड़ी इक्वेशनस को छोटे से फॉर्मेट में लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एम जी ओ यहाँ पर टू टू क्यू लिखवाया है दैट्स आ बैलेंस केमिकल केमिकल इक्वेशन इक्वेशन को जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो तो हम उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं आगे देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या इंडिकेशन मिलते हैं चेंज इन स्टेट कलर टेम्परेचर स्टेट में चेंज हो सकता है कलर में चेंज हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस निकल सकती है इसके अलावा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ट्राई टू इक्वेलाइज एटम टू एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट एडिंग कॉफिशियंट हम कॉफिशियंट ऐड कर सकते हैं मतलब समथिंग लिखा हुआ जैसे एच सी एल इसके आगे आप टू लगा सकते हो थ्री लगा सकते हो क्यों बैलेंस करने के लिए कॉफिशियंट हम लगा के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं क्योंकि हमारा जितना ही रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी आप लोग जानते हैं Do and try change the chemical यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है जैसे थ्री आयरन plus H2O टू ओ इक्वल टू एफ ई ओ फोर और फोर एच टी यानी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो रही है तो ये आपका एक डैमो था थोड़ा सा अगर आप इस चैप्टर का एक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस जो पर्टिकुलर ये आपकी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा वीडियो के नीचे लिंक लिखा होता है डिस्क्रिप्शन उस पर ऐसे बना होता है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे खुल के आ जाता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और उसके नीचे एक लिंक दे रखा है उस लिंक को खोल लीजिए वहाँ पर मैंने चैप्टर का बेसिक इंट्रो और क्या क्या इक्वेशंस होती हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझना चाहिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले पूरे को एक्सप्लेन कर रखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं रेफरेंस के लिए आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिए गए हैं लेटेस्ट ट्राई में आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज मेल्टिंग आइस कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इंटू कट कन्वर्जन ऑफ मिल्क यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड बताना है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है क्वेश्चन टू यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बोलिए है इसको केमिकल रिएक्शन में लिखिए इसके अलावा ये जो क्वेश्चन दिए हुए देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आपका सी डी ई ठीक है जी mm -hmm. तक आपको क्या करना है इक्वेशन लिखना है इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है यहाँ पे थ्री क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ आपको एक कंडीशन दी है उस कंडीशन के आधार पर आपको इक्वेशन लिखनी है वो भी कैसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है बैलेंस मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो चलिए सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं पहले ज़रूरी था आपको क्वेश्चंस दिखाना और अपने हैंड्स को वॉश करते रहें फाइट अगेंस्ट कोविड कोविड का एक नया स्ट्रेन आ चुका है तो बी केयरफुल ठीक है न्यू स्ट्रेन का अगर आपको नाम पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो कोविड का नया स्ट्रेन आया है वो ब्रिटेन में पाया गया है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज क्या है फिजिकल चेंज मतलब देखिए पानी जो है वो बर्फ है पानी बन गया तो भी वो क्या रहेगा वाटर ही तो रहेगा और भाप बन जाता है स्टीम बन जाता है तो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी वो पानी ही तो रहेगा तो दैट्स अ फिजिकल चेंज मिल्क चेंज इन टू कर्ड दूध है वो दही बन गया क्या दही दोबारा दूध बन सकता है नो no, नया सब्सटेंस बन गया तो यहाँ पे क्या है केमिकल चेंज एज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ठीक है जहां पे न्यू सब्सटेंस बनता है वहां पे हमारा केमिकल चेंज होता है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज सिल्वर क्लोराइड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबके सिंबल और सबकी वैलेंसी वगैरह वे याद होनी चाहिए अच्छे से अगर नहीं आते तो जाके अपनी टेबल देखिए प्रियोडिक टेबल और वहाँ से लर्न कर लो अच्छे से सिंबल सिल्वर का क्या होता है ए जी सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में से डिकम्पोज करते हैं तो देखिए इसका जो रिएक्शन होगा क्या होगा ए जी प्लस सी एल टू यानी सिल्वर प्लस क्लोराइड तो इसकी रिएक्शन होगी बैलेंस लिखनी है आपको टू ए जी सी एल ठीक है सनलाइट की प्रेजेंस में तो टू ए जी प्लस सी एल टू यानी क्लोराइड ये रिएक्शन होगी आपकी ठीक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वैडा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव लाइन वाटर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम समटाइम वी कॉल एज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है तो जिस भी नाम से आप लिख सकते हैं इसे हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं तो ये आपका आंसर नंबर बी हो गया ठीक है आगे देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड एन दिस इज सॉल्ट ये क्या है ये एक बेस है ये एक एसिड है ये सॉल्ट है और ये वाटर है और देखिए आप बोलेंगे कि मैम इसे हमने बैलेंस नहीं किया तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ठीक है बैलेंस्ड है आप काउंट कर सकते हैं सोडियम एक यहाँ पे है यहाँ पे भी एक है ऑक्सीजन यहाँ पे एक है यहाँ पे भी एक है हाइड्रोजन एक और एक दो है हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो इज बैलेंस टू कॉपर क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मड तो, यह तो यहाँ पे क्या होगा बोला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल प्लस सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर ट होगा वाटर भी बनेगा तो ये आपकी बैलेंस टू एच सी एल प्लस सी यू ओ सी एल टू प्लस एच टू ओ तो ये आपका सी एंड डी हो गया आगे देख लेते हैं एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा इन सोल्यूबर बेरियम बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो बी ए सी एल टू एन ए यानी कि तो 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 ये barium बनेगा plus NaCl, और मैंने सभी equations को करके करके लिखा है है. तो आपको भी लिखना हमारा जब सिल्वर नाइट्रेट से यानी नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा प्लस सिल्वर सॉलिड का अलग हो जाएगा तो ये आपका ई e और एफ हो गया ठीक है आपको ध्यान से अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप खुद ये रिएक्शंस लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी ठीक है तो पोटेशियम पोटेशियम क्या होता है के और आयोडाइड मतलब आई तो टू के आई प्लस पी वी एन ओ थ्री ठीक है नाइट्रेट लेड नाइट्रेट तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड तो ये आपका आंसर नंबर जी हो गया केमिकल रिएक्शन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला है गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जहाँ पे गैस बन रही हो तो मैंने लिखा है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है और गैस कौन सी लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑल सेकेंड में बोला है चेंज इन सब्सटेंस कलर ऐसी रिएक्शन लिखिए जहाँ सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो आयरन सल्फेट हमने लिया है जब हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है सल्फर डाईऑक्साइड बनाता है सल्फर ट्राई फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है ग्रीन इसका कलर क्या होता है ग्रीन और फेरिक ऑक्साइड यानी इसका कलर क्या होता है इसका कलर होता है ब्राउन रेड ब्राउन ठीक है रेड ब्राउन कलर का होता है तो यहाँ कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन में तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसके अलावा थर्ड में बोला है सी कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करिए इसमें बोला है कि आपको चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बदले तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना चूना पत्थर जब इसमें आप पानी मिलाते हो तो सी ए ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट लिबरेट होती है कभी आपने देखा है चूना पत्थर को भिगो के रखते थे पहले व्हाइट वॉश करने के लिए रात भर उसके बाद उसमें कितनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती थी, थी ऐसे धुआं निकलता है टैंक से तो वो हीट यानी टेम्परेचर में चेंज होता है तो ये रिएक्शन आप उसके लिए मैंशन कर सकते हैं साथ ही वीडियो को डिटेल में इस चैप्टर को समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए और भी किसी चैप्टर में पर्टिकुलर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं उस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती रहेंगी